अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक माई सेल्फ अमरेज। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस की। इसमें आपको, मुझे लगता है, एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टडी ऑफ अर्थ को हम बोलते हैं जियोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज़ को हम बोलते हैं एपथोलमोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स की हम बात करें तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी की हम बात करें तो उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर की बात करें तो वहाँ उसको बोलते हैं हेपाटोलॉजी, और ब्लड की हम बात करें तो हेमाटोलॉजी। ठीक है, इसी तरह हम स्टडी ऑफ स्किन को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ हॉर्ट्स को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर्स की बात करें तो ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन इंसेफाइलोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू की बात करें तो ये आप देख सकते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगे माइकोलॉजी, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, और इसी तरह है, एक मिनट, स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस फाइलोलॉजी, और स्टडी ऑफ ईयर्स लास्ट भी है, इसको बोलते हैं आयरोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल ई सबक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचें। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।